बीते 3 साल से बागेश्वर में 81 यूके बटालियन एनसीसी की कमान संभाल रहे कमान अधिकारी कर्नल रविन भंडारी का तबादला हो गया है। उन्हें यहां आयोजित एक कार्यक्रम में भावभीनी विदाई दी गई। जिले की एनसीसी बटालियन के सभी एएनओ ने कर्नल रविन भंडारी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल एनसीसी के क्षेत्र में शानदार कार्य किया बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मेजर दीप चंद्र जोशी, मोहन सिंह धामी, कैलाश अंडोरा सहित अन्य एएनओ मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन लेफ्टिनेंट प्रकाश कालाकोटी ने किया। विदाई से भावुक कर्नल रविन्द्र भंडारी ने सभी एएनओ का आभार जताते हुए कहा कि उनका बागेश्वर से काफी लगाव रहा है और चाहते हैं कि बागेश्वर के एनसीसी कैडेट देश तथा दुनिया में बागेश्वर तथा उत्तराखंड का नाम रोशन करें। इस दौरान उन्हें शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किए गए। मुझे 3 साल 1 महीना प्लस यहाँ हो गया है तो जाते हुए मिक्स्ड फीलिंग है, पर मिक्स्ड फीलिंग के अलावा एक बहुत ही मतलब के अंदर से अनुभूति है कि पहले मेरा एक था पिथौरागढ़ जिला जिसका मैं था। आज जो है कि मैं जब छोड़ के जा रहा हूँ बागेश्वर को तो अपने साथ एक जन्मभूमि पिथौरागढ़ और एक कर्मभूमि बागेश्वर लेके जा रहा हूँ और साथ में जो मैंने 3 साल में कोशिश की कि चाहे वो दूर दराज की आमा हो बुबू हो कि जब मैं जहाँ पे भी जाता था तो जो मिले तो उनको वहाँ पे बिना कुछ उनके हाथ दिए रोक के आगे ले चले, उनसे थोड़ा एक संवाद किया, उनका कष्ट देखा और कुछ अगर कर पाए। और सिमिलरली जो मेरे युवा थे तो युवाओं में एक करंट लगाने की कोशिश की है और मेरी शुभकामना है सारे बागेश्वर को कि मिल के बागेश्वर को आगे लेके जाना है। इम्पोर्टेंट है कि सजग होना है, इम्पोर्टेंट है कि मार्ग करनी है, इम्पोर्टेंट है कि आप अगर जो भी चीज़ के लिए और बाहर जाइए, देखिए कि बाहर में बहुत प्रगति है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है जो हमारे इंटीरियर में अभी, क्योंकि हमारे को भगवान ने इतनी अच्छी हवा दी है, इतना अच्छा पानी दिया है तो हम पहाड़ी लाटे की तरह रहते हैं। लाटे की तरह नहीं रहना है, अच्छा करना है और उससे क्या है कि अपने बागेश्वर का, अपने उत्तराखंड का, देश का नाम आगे ले जाना है। अगली सदी वैसे भी हमारी ही है लेकिन अगर हम सजग रहे तो वो सभी हमारी है वरना हाथ से निकल जाएगी। बट जाते हुए मैं सारे बागेश्वर के मेरे एनओज, मेरे कैडेट्स और पूरे बागेश्वर की जनता के लिए का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला और भविष्य में बाबा बागनाथ, बाबा बैजनाथ, माँ कोट ग्राउंडी और कासिल भूमि यदि मौका देंगे तो फिर दोबारा जुड़ेंगे। जय उत्तराखंड। सर के साथ पिछले 3 साल का जो कार्यकाल सर का रहा बहुत ऊर्जा हम सबको मिली है, बहुत खुशी मिली है और मुझे लगता है कि जो हमारे कैडेट्स हैं बेटियों बता रहे हैं कि उन्हें बहुत हिस्सा से सीखा है, खासतौर पर सर का यहाँ के प्रति बाहर के प्रति लगाव रहा है तो अपने आप में हम सब के लिए अविस्मरणीय है और जिनका जुदाई का फल है तो निश्चित रूप से हम सब को बहुत खुश करें और हम कोशिश करेंगे कि जो एज एन आर्मी ऑफिसर और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपने यहाँ पर लोगों को अवेयर करने का जो प्रयास किया है उस कड़ी का हम हिस्सा बन सकें, हमारी हमेशा यह कोशिश है। 81 बटालियन जो हमारी एनसीसी की बागेश्वर है उसमें कमान अधिकारी कर्नल भंडारी सर का ट्रांसफर हुआ है मेरे जा रहे हैं और आपने एक सैन्य अधिकारी के रूप में और एक कैडेटों के मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर स्वयं ही बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और बटालियन का नाम आगे करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सभी यहाँ आज की के विदाई कार्यक्रम के अवसर पर आपको उसकी कामना करते हैं और बागेश्वर के कैडेटों को जो उन्होंने एक ऊर्जा का संचार किया है वो भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।